तो गाइस स्वागत है आपका इजी फ्लैशिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर है शाओमी का रेडमी 7S जिसका हम FRP बाईपास करने वाले हैं बिना किसी कंप्यूटर की मदद के और ना ही किसी बॉक्स की मदद, और वो भी आप देख सकते हो वीडियो की लेंथ 4 मिनट के समथिंग है। तो समझ जाइए मैं आपको कितनी फास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ और बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ आपको। तो चैनल पर नया तो फट से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ प्यारे से कमेंट कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर FRP लग चुका है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको वाईफाई से कनेक्ट, जो हमें करना पड़ता है हर एक फ़ोन में। तो हमारे वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब वाईफाई कनेक्ट हो चुका है तो हमें जाना है एड नेटवर्क या कोई भी जो नीचे वाईफाई दिख रहा है, कहीं पर भी आप जा सकते हो जहाँ पर हम पासवर्ड डाल सकें, एक्स्ट्रा पासवर्ड। मतलब हमें लिखना है, पासवर्ड तो नहीं डालना है। तो ठीक है, मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ ताकि आपको और नज़दीक से दिखा सकूँ। ये एड नेटवर्क में चला गया है और यहाँ पर लिखना है www.youtube.com, बस इतना ही लिखना है और वहाँ पर हमें प्रेस करके रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे यूट्यूब हमारा ओपन हो जाएगा सिंपली। अब ऊपर जो प्रोफाइल का पिक्चर है वहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करना हो और गूगल क्रोम खुल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं सिंपल से। और यहाँ पर लिखना है VN ROM, खाली VN ROM, जो मैं स्क्रीन पर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो पहले पर क्लिक कर देना है, बहुत ही इजी तरीका है, वीडियो को पूरा देखना, फिर बाद में कमेंट में बोलना मत कि सर हुआ नहीं हुआ नहीं, आप दूसरे फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हो ये। और ये सेट स्क्रीन लॉक आपको मिल जाएगा 4th नंबर का, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपल से। यहाँ पर आ जाना है और करना है पैटर्न लॉक पर क्लिक, और हमें जो याद रहे बहुत ही इजी पैटर्न लॉक हमें यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर बड़ा सा एल लगा दे रहा हूँ, दूसरी बार भी कंफर्म एल लगा दे रहा हूँ, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, या फिर ऑटोमेटिक शायद ये हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सा बाहर चले जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस वापस बैक 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 बैक, ओके। और यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट रखना है, स्किप पर नहीं क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, स्किप पर क्लिक नहीं करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर, तो मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ। यहाँ पर जस्ट सेकंड आएगा और ये पैटर्न लॉक आ गया, जो हमने वहाँ लगाया था वो यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने बड़ा सा एल लगाया था, तो मैंने बड़ा सा एल लगा दिया और पैटर्न लॉक हमारा खुल चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस यहाँ पर स्किप आ चुका है, मतलब हमारा गूगल बाईपास हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ प्यारे से कमेंट कर देना, भूलना मत। तो स्किप कर देते हैं इधर, यहाँ पर भी स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, एग्री कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा फ़ोन हो चुका है ओके। तो आप सबको बताएं कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा वीडियो को कट कर दूंगा ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। बहुत टाइम के बाद मैंने जो है वीडियो डाली है, लेकिन क्या करें, अभी तो बहुत सारा बिजी चल रहा हूँ तो वीडियो बनाने का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। और आप लोग कमेंट भी ज़्यादा अच्छी नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, आपका काम हो जाता है फिर भी आप नहीं लिखते। गाइज लिखा करो, अच्छा बुरा जो भी हो लिखा करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे, आगे हमको पता चलता रहे कि हमें हमारी कौन सी गलती है और हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो फ़ोन हमारा हो चुका है ओके। वीडियो की ट्रिक कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताना। तो अभी जो हमने पैटर्न लॉक लगाया था उसको ऑफ भी कर देना, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन है, ठीक है। तो सेटिंग में जाते हैं, लॉक स्क्रीन में चले जाते हैं, और पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके, पासवर्ड में जाके यहाँ पर पैटर्न लॉक का लगा के इसको बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद हमारा जो वाईफाई है वो भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कस्टमर का फ़ोन है तो हमारा कुछ भी इसके अंदर रहना नहीं चाहिए भाई। तो ये कर लेना चाहिए, हर एक फ़ोन में कर लेना चाहिए अगर आपका कुछ भी है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।